नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आज मैं आपको एक नहीं दो नहीं मतलब तीन चार गेमिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं। और ये गेमिंग न्यूज़ होने वाली है बहुत ही बेहतरीन, और आप लोग इस गेमिंग न्यूज़ को सुन के हो जाएंगे बहुत खुश। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से आप पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा यार कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और यार, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे, जिससे कि आप अपडेटेड रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जो पहली न्यूज़ है वो आ रही है टेंसेंट की तरफ से। हाँ जी दोस्तों, टेंसेंट गेम्स की तरफ से। टेंसेंट गेम्स ने अब लॉन्च करने जा रहे हैं क्रॉस फायर लेजेंड्स 2। हाँ जी दोस्तों, क्रॉस फायर लेजेंड्स तो आप जैसे कि सब जानते हैं प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुकी है ऑफिशियली। तो यार, क्रॉस फायर लेजेंड्स में क्या है एक्चुअली, क्रॉस फायर लेजेंड्स मतलब थोड़ी स्टोरी बेस्ड भी है, और उसे हम ऑनलाइन प्लेयर वर्सेस प्लेयर भी खेल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बीच में टेंसेंट ने न्यूज़ दी है कि हम जल्द ही क्रॉस फायर 2, हाँ जी दोस्तों, क्रॉस फायर लेजेंड्स का एक नया पार्ट निकालने वाले हैं, क्रॉस फायर लेजेंड्स 2, जिसका कि ट्रेलर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि ये गेम होने वाली है बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि इसके ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे होने वाले। और कंपनी ने ये कहा है कि क्रॉस फायर लेजेंड्स थी हमारे लिए जो छोटे डिवाइसेस थे जो कंपेटेबल नहीं थे पबजी के लिए, उनके लिए, पर क्रॉस फायर लेजेंड्स 2 होने वाली है बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों, दूसरी न्यूज़ जो है वो है GTA 5 की एक नई कॉपी। हाँ जी दोस्तों, GTA 5 की एक नई कॉपी लॉन्च हो चुकी है, और ये गेम भी एक यूनिटी डेवलपर ने बनाई है। मैं बताना चाहूँगा, ये एक अकेले डेवलपर ने बनाई है। और जो खास बात इस गेम की मुझे लगी वो है कि ये आधी अधूरी गेम नहीं है, इसमें है पूरी GTA 5 की सिटी। हाँ जी दोस्तों, सिटी के साथ साथ इसके ग्राफिक्स भी काफ़ी अमेजिंग है, और फिज़िक्स भी काफ़ी अमेजिंग है। और इसके साथ आप यहाँ पे बंदे भी मिलेंगे, आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, और साथी के साथ आप बंदों से बात कर सकते हैं, और काफ़ी सारे आपको मिशन भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे कि आपको गेम खेलने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों, अब जो तीसरी न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है एक नई गेम की तरफ से। हाँ जी, एक रेसिंग गेम मैं आपको बताना चाहूँगा, एक नई गेम है ये जिसका नाम है ऑफ रोड। हाँ जी दोस्तों, ये जल्दी होने वाली है ऑफ रोड लॉन्च। और जो आपको मैंने बताई थी GTA 5 की कॉपी, वो भी एक दो हफ्ते में लॉन्च हो जाएगी। और जब भी ये लॉन्च होगी मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, ऑफ रोड मुझे लग रही है काफ़ी बेहतरीन गेम, क्योंकि आप इसके फिजिक्स देखिए, ग्राफिक्स देखिए, काफ़ी हद तक इसके इतने अच्छे ग्राफिक हैं कि हमें इसे खेलने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये एक और न्यूज़ जो आपको मैं बताना चाहूँगा वो है कि इस गेम को किसी भी बड़ी कंपनी ने नहीं मतलब एक छोटी सी नई कंपनी ने बनाया, और इतनी बेहतरीन गेम उन्होंने बना दी है कि जब ये लॉन्च हो जाएगी प्ले स्टोर पर ऑफिशियली, तो इसे आप खेलने में बहुत मज़ा आने वाला है। और आपने कभी भी, मैं दावा करता हूँ, ऐसी रेसिंग गेम नहीं खेली होगी। जी, एसफॉल्ट की तरह तो नहीं है ये, पर काफ़ी मज़ेदार गेम है, थोड़ी मज़ा आएगा आपको, टाइम पास गेम हो जाएगी ये आपके लिए। और दोस्तों, जो अगली न्यूज़ है वो आ रही है जो GTA यूनिटी की तरफ से। हाँ जी दोस्तों, पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में लॉस एंजल्स क्राइम मतलब GTA यूनिटी का लिंक दिया था पिछली उस वीडियोस में, तो आपने उसे डाउनलोड करके काफ़ी मज़ा लिया होगा। पर यह मेन बात जो उसमें गेम में थी वो थी, आपको पूरा शहर नहीं देखने को मिल रहा था, और आप कुछ भी बस घूम ही जा रहे थे, और बस बाइक चला पा रहे थे, और कुछ नहीं था। पर दोस्तों, अब जो नई इन्होंने अपना अपडेट निकालना है इस गेम में, उसमें आपको इसमें देखने वाला है GTA ऑनलाइन का फीचर। हाँ जी दोस्तों, GTA ऑनलाइन का फीचर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके GTA ऑनलाइन जैसा कि आप देखते हैं बंदे से बंदा देख सकते हैं और मार भी सकते हैं। पबजी की तरह ये एक बैटल रॉयल गेम भी बन सकती है, और आप खुद ही सोच सकते हैं अगर पबजी की तरह GTA ऑनलाइन का फीचर इसमें आ गया तो पबजी के ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं है, पर GTA यूनिटी के जो आपको मैंने एंड्रॉयड दिया है उसके पबजी से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं ग्राफिक, और इसके फिज़िक्स भी अच्छी हैं। हालांकि पबजी के भी काफ़ी अच्छे हैं, पर आप खुद ही सोच सकते हैं, आपने जिन्होंने अभी तक PC में GTA 5 नहीं खेली या GTA ऑनलाइन नहीं खेली, उन्हें अगर ये खेलने को मिल जाएगी तो वो काफ़ी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं यार, अपडेट तो जब आएगा तब मैं आपको नया लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, पर अगर आप इस अभी जिस स्टेज पे है गेम, उस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यार आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें एक वीडियो है GTA लॉस एंजल्स क्राइम की बाय यूनिटी, तो उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यार, बस आज की न्यूज़ इतनी थी, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।